तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं काफी तगड़े साउंड बार का। यह है क्रॉसबीट्स ब्लेज B900 एंड इसको आप सिर्फ 9,000 रुपए में परचेस कर सकते हो। इसका परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही 10% का एडिशनल डिस्काउंट कूपन भी मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप इसका यूज करते हो तो 10% का एडिशनल डिस्काउंट इसमें अवेल कर सकते हो। तो प्राइसिंग के हिसाब से साउंड बार मुझे काफी पसंद आया यार, कुछ दिनों से इसको मैं यूज कर रहा हूँ। तो अगर आप भी साउंड बार के बारे में और जानना चाहते हो तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। तो बॉक्स में एक्स्ट्रा बेस ऑडियो दैट फील्स लाइक थिएटर यहाँ पे मेंशन है। कुछ फीचर्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं जिसको आप पॉज करके पढ़ सकते हो। क्रॉसबीट्स ब्लेज B900 की यहाँ पे ब्रांडिंग है, यहाँ पे भी प्रॉपर ब्रांडिंग दी गई है। यहाँ पे कुछ और चीजें हैं, तो आप कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। रामपुरी मोड ऑन। तो बॉक्स के अंदर में सबसे पहले मिलता है सबवूफर, दो सैटेलाइट स्पीकर एंड एक साउंड बार, साथ ही एक छोटा सा बॉक्स इसके अंदर और है। इसके अंदर में मिल जाते हैं कुछ वॉल ब्रैकेट्स जिससे आप साउंड बार को वॉल माउंट कर सकते हो, स्क्रूज वॉल माउंट करने के लिए, कुछ डॉक्यूमेंटेशन, ऑक्स केबल एंड एक रिमोट कंट्रोल। तो रिमोट कंट्रोल इसका ग्लॉसी एंड मैट फिनिश में आता है। तो सारे कंट्रोल सारे ट्वीक्स आप इसके रिमोट से कर सकते हो। आगे इसके ऊपर हम बात करेंगे। दो ट्रिपल ए बैटरीज आपको इसमें लगानी होगी इसको यूज करने के लिए, साथ में बैटरीज प्रोवाइड नहीं की गई है। तो इनका फिजिकल ओवरव्यू हम देख लेते हैं। सबसे पहले सबवूफर देखा जाए तो टोटली MDF बोर्ड का बना हुआ है। मैट फिनिश इसके ऊपर दी गई है जिससे फिंगरप्रिंट वगैरह इसके ऊपर आराम से नहीं आते हैं। क्रॉस बीट्स की में ब्रांडिंग है, फ्रंट पार्ट में एक एयर वेंट है इसमें फॉर बेटर बेस परफॉर्मेंस। राइट पार्ट में इसका सबवूफर, सबवूफर की हाइट है तकरीबन 14.6 इंच। इलावा सबवूफर इसका वायर्ड है। इसके बाद सैटेलाइट स्पीकर भी यहाँ पे वायर्ड दिए गए हैं। ग्लॉसी फिनिश इनके ऊपर दी गई है। फ्रंट पार्ट में मेटालिक ग्रिल है एंड बॉटम पार्ट में इसकी रबर पैडिंग ताकि सरफेस पे स्टेबल रहे। 15 फीट लंबी इसमें वायर दी गई है तो उसको प्लेस करने में आपको परेशानी नहीं होगी। सैटेलाइट स्पीकर की हाइट है तकरीबन 6.5 इंच। अब साउंड बार देखा जाए तो ये भी टोटली ग्लॉसी फिनिश में आता है। इसके राइट पार्ट में इसके सभी कंट्रोल्स दिए गए हैं, साथ ही USB पोर्ट भी है। तो साइड में USB पोर्ट होने का एक फायदा यह है कि पेन ड्राइव वगैरह आप इसमें काफी आराम से लगा सकते हो, आपको बार बार साउंड बार के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने साउंड बार को वॉल माउंट कर रखा है तो पेन ड्राइव वगैरह लगाने में आपको काफी आसानी यहाँ पे होने वाली है। फ्रंट पार्ट में मेटालिक ग्रिल है, क्रॉस बीट्स की इसमें ब्रांडिंग है। इसके राइट पार्ट में LED डिस्प्ले, बॉटम पार्ट में दो रबर पैडिंग। इसके बैक पार्ट में है सभी इसके IOs, लाइक सबसे पहले यहाँ पे सबवूफर का पोर्ट जहाँ पे इसका वायर सबवूफर कनेक्ट कर सकते हो, साथ ही यहाँ पे दो सैटेलाइट स्पीकर के पोर्ट। इसके साइड पार्ट में ऑक्स पोर्ट, ऑप्टिकल इनपुट एंड HDMI आर्क पोर्ट। साउंड बार की लेंथ है ऑलमोस्ट 38.5 इंच। तो ये साउंड बार है टोटली वायर्ड, मतलब सबवूफर भी यहाँ पे वायर्ड है एंड सैटेलाइट स्पीकर भी यहाँ पे वायर्ड दिए गए हैं। वायरलेस का सपोर्ट यहाँ पे नहीं है। अगर आपको सबवूफर वायरलेस मिलेगा तो उसका आउटपुट आपको काफी कम मिलेगा, बट यहाँ पे आउटपुट काफी ज्यादा है तो कुछ चीजों में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो ये साउंड बार टोटल आता है 400 वॉट के आउटपुट के सपोर्ट के साथ। 6.5 वॉट का इसमें सबवूफर है, तो इसमें रियर सैटेलाइट स्पीकर है जो पीछे के पार्ट में प्लेस होंगे। हालांकि कितने कितने वॉट के इसमें स्पीकर्स हैं वो मेंशन नहीं है, टोटल मैंने आपको बता दिया। साउंड बार में आपको 4 स्पीकर्स का सपोर्ट मिलता है, 2 इसमें एंड 2 है छोटे वूफर्स। ट्रू 5.1 चैनल को इस साउंड बार सपोर्ट करता है। इस प्राइस पॉइंट में काफी साउंड बार आते हैं जिसको कंपनी 5.1 चैनल वर्चुअल साउंड बार बोलती है। वो एक्चुअल नहीं होते हैं, वर्चुअल होते हैं, बट ये एक्चुअल है भाई 5.1 चैनल। तो साउंड बार हो जाएगा सामने प्लेस, सब वूफर आप कहीं भी प्लेस कर सकते हो एंड जो सैटेलाइट स्पीकर है वो आ जाएंगे आपके पीछे के पार्ट में। तो एक सराउंड एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। हालांकि मैंने उस तरीके से साउंड को टेस्ट नहीं किया है, रियर स्पीकर साउंड बार सबको मैंने सामने ही रखा है क्योंकि मेरे पास अभी वैसा सेटअप नहीं है, बट जल्दी अगर आपका सपोर्ट रहा तो उस टाइप का सेटअप भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा। वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे मिलता है ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट, जो एक अच्छी बात है। बाकी और कनेक्टिंग ऑप्शंस तो आपको इसे मिलते हैं, HDMI, USB, AUX, ऑप्टिकल इनपुट, AUX इनपुट। एंड इस साउंड बार को आप अपने तकरीबन हर सिस्टम के साथ यूज कर सकते हो, TV, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, PlayStation, जिसके साथ भी आपको पेयर करना है। अब इसके रिमोट में हम आते हैं तो काफी सारे कंट्रोल्स आप यहाँ पे कर सकते हो, लाइक वॉल्यूम कंट्रोल, प्ले पॉज, नेक्स्ट प्रीवियस, पावर ऑफ म्यूट वगैरह तो सभी में होता है। इसके अलावा इसमें EQ मोड्स भी हैं, जैसे मोस्ट ऑफ द साउंड बार में आपने देखा होगा। म्यूजिक, मूवी एंड न्यूज में आप इसको कर सकते हो। म्यूजिक सुन रहे हो तो म्यूजिक में कर दीजिए, मूवी देख रहे हो तो मूवी में कर दीजिए, न्यूज देख रहे हो तो न्यूज में कर दीजिए। इसके अलावा प्लस फीचर इसका मुझे ये लगा है, काफी सारे कंट्रोल्स नीचे पे आपको मिलते हैं, लाइक फ्रंट, रियर, सबवूफर। अगर आपको बेस बढ़ाना है तो सबवूफर से बढ़ा सकते हो, वोकल्स इससे एनहांस हो जाते हैं। इसके अलावा फ्रंट के साउंड बार की साउंड आपको ज्यादा चाहिए तो आप वो भी इंक्रीज कर सकते हो, सिर्फ रियर के सैटेलाइट स्पीकर की साउंड ज्यादा चाहिए तो वो भी आप इंक्रीज कर सकते हो। तो ये इसका मुझे काफी अच्छा फीचर लगा जो इस प्राइस पॉइंट में आपको मोस्ट ऑफ द साउंड बार में नहीं मिलेगा। तो अब इसका कर लेते हैं हम साउंड टेस्ट एंड साउंड टेस्टिंग के लिए हम यूज करने वाले हैं अपने प्रोफेशनल माइक्रोफोन का। साउंड मैंने रखी है 50% पे एंड माइक इससे ऑलमोस्ट मैंने रखा है 6 फीट की दूरी पे। बाकी मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप अपने हेडफोन्स का यूज करें। एंड साउंड टेस्ट इसका मैंने नॉर्मली किया है, मतलब इसके जो सैटेलाइट स्पीकर है वो भी सामने की तरफ मैंने रखे हैं, हालांकि वो रखने चाहिए थे मुझे पीछे के पार्ट में। मेरे पास अभी ऐसा सेटअप नहीं है कि स्पीकर को मैं पीछे के पार्ट में रख के आपको दिखा पाऊं, उस सेटअप के ऊपर अभी काम चल रहा है। अगर आपका सपोर्ट रहा तो वो सेटअप भी मैं आपके सामने जल्दी ही लेके आऊंगा।
तो अब बात कर लेते हैं इसके साउंड आउटपुट की, कैसा है साउंड, साउंड में परफॉर्म करता है। तो ओवरऑल जितना इसको मैंने टेस्ट किया भाई, साउंड में काफी तगड़ा है, परफॉर्म करता है। क्लैरिटी इसकी मुझे काफी अच्छी लगी, बेस इसका काफी अच्छा है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इसका कंपनी बोलती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, तो इससे काफी डीप बेस आप समझ सकते हो, हालांकि उतना डीप बेस जाता नहीं है। सबसे पहले बेस की बात हम कर लेते हैं, तो बेस आउटपुट नो डाउट इसका काफी तगड़ा है, काफी अच्छी खासी डीपनेस इसमें फील होती है। इवन बेस की डीपनेस को एंड लाउडनेस को आप और भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपको अलग से कंट्रोल मिल जाते हैं। तो अगर आप एक बेस लवर हो तो इस साउंड बार आपको निराश नहीं करेगा। क्लब वोकल्स भी इसके मुझे काफी क्लियर लगे, उसको भी आप इनहेंस कर सकते हो, अलग से आपको ऑप्शन मिलता है। ट्रेबल्स में भी डिसेंट परफॉर्म करता है, हालांकि ट्रेबल्स मुझे उतने शार्प नहीं लगे, बट अच्छा खासा परफॉर्म करता है। लाउडनेस की बात करी जाए तो साउंड बार काफी लाउड है, 400 वॉट इसका आउटपुट है, तो लाउडनेस आप समझ सकते हो। एक हॉल में आप इसको आराम से यूज कर सकते हो, अच्छा खासा बेस आउटपुट प्रोवाइड आपको कर देगा। तो लास्ट में बात करते हैं कि आपको साउंड बार परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो प्राइसिंग हिसाब से साउंड बार अगर देखा जाए तो नो डाउट भाई, साउंड बार काफी लाउड है, बेस काफी अच्छा है, स्पेक्स काफी अच्छे मिल रहे हैं, काफी सारे ट्वीक्स आप इसके रिमोट से कर सकते हो, काफी सारे इसमें कनेक्टिंग ऑप्शंस आपको मिलते हैं, वाइड वैरायटी। तो अगर आपको एक्चुअल 5.1 चैनल साउंड बार या होम थिएटर चाहिए जिसका बेस आउटपुट काफी तगड़ा हो, जो काफी लाउड भी हो, क्लैरिटी जिसकी अच्छी हो, जिसपे काफी सारे ट्वीक्स आप कर पाओ, काफी सारे कनेक्टिंग ऑप्शंस आपको चाहिए, डेफिनेटली आप इस साउंड बार को चेकआउट कर सकते हो। बाकी आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हो साउंड बार से रिगार्डिंग, या आप इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हो हमसे, तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो मेरा नाम है ऋतिक एंड मैं मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।